नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। देश में जनसंख्या नियंत्रण व लव जिहाद पर कानून की मांग लेकर निकाला मशाल जुलूस, घंटे घड़ियाल बजाकर की नारेबाजी। यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाना सराहनीय कार्य, पूरे देश में ही लागू हो कानून, आरोपियों को मिले कड़ी सजा। मनीष चौधरी। जनपद मुजफ्फरनगर में लव जिहाद व जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाकर पूरे देश में लागू करने की मांग को लेकर आज शिव चौक पर अर्चक पुरोहित संघ के बैनर तले विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और घंटा घड़ियाल बजाकर जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी व हिंदूवादी नेता मनीष चौधरी ने मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण व लव जिहाद पर कानून बनाकर पूरे देश में तत्काल लागू हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए उनकी सराहना की है। देश में बढ़ती आबादी व लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में आज शिव चौक के निकट तुलसी पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश में लव जिहाद व जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर लागू करने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। अर्चक पुरोहित संघ के बैनर तले हुए कार्यक्रम में जमकर घंटे घड़ियाल व नारेबाजी की गई। इस अवसर पर समाज सेवी व हिंदूवादी नेता मनीष चौधरी ने कहा कि लव जिहाद, छेड़छाड़ व गुंडागर्दी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अब उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है और संसाधनों की कमी पड़ती जा रही है। यदि इस पर समय रहते कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर पहुंच सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल बनाया जाए और पूरे देश में इसे लागू किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह लव जिहाद पर भी कानून बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए। मनीष चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लव जिहाद पर कानून बनाने पर सराहना की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। मनीष भाई, किस तरह का आज मशाल जुलूस निकाला गया, क्यों निकाला गया? आज मुजफ्फरनगर जिले में सभी हिंदू संगठन एक झंडे के नीचे अर्चक पुरोहित संघ, जिसके जिलाध्यक्ष पंडित ब्रज बिहारी अत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में आज तुलसी पार्क मुजफ्फरनगर में लव जिहाद के खिलाफ जो हमारे प्रदेश में प्रदेश मुखिया द्वारा कानून बनाए जाने का वादा किया है, उसकी सभी संगठन खुले दिल से सराहना करते हैं और प्रदेश सरकार के साथ साथ हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लव जिहाद कानून के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि इस समय पूरे देश की एक कैंसर की तरह ये फैल रहा है, उसका जल्द से जल्द कानून बनाया जाए और केंद्र में पास किया जाए। मनीष भाई, लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, तो हिंदू संगठन किस तरह की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्या कार्रवाई आगे जो ये लव जिहाद खत्म हो और इस तरह की जो राजनीति है गंदी वो खत्म हो और बहन बेटियां अपनी जान से हाथ ला लो? देखिए, बहन बेटियां सबकी बराबर हैं। बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत करेगा, चाहे उसमें कोई भी समाज हो, हम जरूर चाहते हैं कि लव जिहाद का कानून बने, लेकिन उनके खिलाफ कानून बने जो हिंदुओं के भेष में हमारे साधु संतों के कपड़े पहनकर, माथे में तिलक और हाथ में तिलक लगा और हाथों में कलावा बांधकर, हमारे हिंदू धर्म के वस्त्र धारण कर अगर उस खाल में छुपे भेड़िए इस तरह की हरकत करते हैं तो ये कानून उनके ऊपर लागू हो। कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग, कुछ गंदी वर्ग विशेष के धर्मगुरु, जो कि कुछ चुनिंदा आदमियों को बहकाते हैं और बहकाने के बाद बहु बेटी के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। हम हिंदू मजहब आज उस हर हिंदू बेटी के साथ खड़ा है जिसके साथ इस तरह का अत्याचार होता है, उसका जवाब शासन द्वारा भी दिया जाएगा। हम प्रशासन के साथ भी हैं, लेकिन इतने हल्के भी नहीं हैं कि प्रशासन की अगर परवाह करेंगे, अगर वो लोग परवाह नहीं कर सकते तो हिंदू समाज भी कोई परवाह नहीं करेगा और सबके साथ हिंदू बहन बेटी की सुरक्षा के लिए हर समय हिंदू समाज खड़ा है। जय श्री राम।